नमस्कार, जयवंत दास्ता न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नावा सिटी से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर नावा विधानसभा क्षेत्र में अब 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद पार्टी, आम आदमी पार्टी, माकपा सहित कुछ अन्य दलों के उम्मीदवार अब चुनावी रण में पूरी तरह उतर चुके हैं। वही मुख्य मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी अमित शाह दौरे के बाद गांवों में तूफानी दौरे कर रहे हैं। चुनावी सभाओं में काफी भीड़ देखी जा रही है। ग्राम सेसमा का बास, चावंडिया, अड़कसर, चितावा के बाद देर शाम कुचामन नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 व 16 में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान काफी भीड़ देखने को मिली। नली का बालाजी के पास आयोजित चुनावी सभा में कुमावत समाज के साथ अन्य समाजों ने बड़ी सभा आयोजित करवाकर भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी का जोरदार स्वागत सम्मान किया और चुनाव में खुलकर समर्थन देते हुए बड़ी जीत की शुभकामनाएं दी। सभा को संबोधित करते हुए कुमावत समाज से राजाराम प्रजापत ने बताया कि विपक्ष के लोग सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि कुमावत समाज साथ नहीं है और भी अन्य भाजपा के साथ नहीं है, अपनी हार की बौखलाहट से ऐसा कर रहे हैं। नवा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के साथ सर्व समाज खड़ा है और ऐतिहासिक जीत के साथ कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। चुनावी सभा को प्रधान प्रतिनिधि राजेश गुर्जर, राजेंद्र सिंह प्रेमपुरा, प्रतिपक्ष नेता अनिल सिंह मेड़तिया, महिला मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रजनी गावड़िया, राकेश बिजारनिया, ज्ञानाराम रणवास, शिव सरपंच लालाराम खारिया, सरपंच देवीलाल दादरवाल, राजकुमार फौजी, मनीष व्यास, भाजपा प्रत्याशी विजय सिंह चौधरी ने भी संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी चौधरी ने नगर परिषद कुचामन के वार्ड संख्या 13 व 16 में कुमावत समाज के घरों को जिस तरह पिछले दिनों कांग्रेस शासन में नगरपालिका की ओर से कार्रवाई करके तोड़ा गया, उसको लेकर कांग्रेस सरकार पर एकतरफा पक्षपात कार्रवाई के आरोप लगाए। साथ ही बताया कि जब हमारा शासन आएगा तो किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। चुनावी सभा के दौरान वार्ड पार्षद नंदाराम बुगालिया, पार्षद बाबूलाल कुमावत, डालू राम कुमावत, पार्षद सुरेश सिकवाल, अनंत तिवाड़ी सहित दोनों वार्डों के सैकड़ों महिला पुरुष व मातृशक्ति मौजूद रही। नवा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।